अलवर के थानागाजी इलाके में फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने पति को बंधक बनाकर उसकी पत्नी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और इस शर्मनाक घटना के बाद मंगलवार को विधायक कांति मीणा और एडिशनल एसपी पीड़िता के घर पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़िता के परिजनों से बातचीत की। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को पीड़िता अपने पति के साथ बाइक से ताल वृक्ष जा रही थी और यहां थानागाजी अलवर बाईपास रोड पर बाइक सवार 5 युवकों ने दंपति को रोका और युवक को बंधक बनाते हुए पति के सामने उसकी पत्नी से गैंगरेप को अंजाम दिया। और यही नहीं, इस घटना के बाद बदमाशों ने पीड़िता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़िता के पति को धमकाते हुए एक बार वीडियो वायरल करने के नाम पर उन लोगों ने पैसे भी ऐंठ लिए। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने पीड़िता को उसके पति को जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद दोनों पति पत्नी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गए, लेकिन पुलिस ने इस मामले को दबाए रखा। वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश भर में पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में गुस्सा व्याप्त है और लोगों ने इस मामले में दोषी पुलिस वालों को भी निलंबित करने की मांग की है। इस घटना की रिपोर्ट 2 मई को पुलिस को दी गई और विधायक कांतिलाल मीणा घटना की निंदा करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते नजर आए। और वहीं कई संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जिसने भी इस दरिंदगी के बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। लोगों का कहना है कि क्या राजस्थान की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि एक विवाहिता महिला का उसके पति के सामने सामूहिक रेप हो गया। आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद भी पुलिस सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिर क्यों? और जनता भरोसा करे तो अब किस पर करे? ये पूरी घटना अलवर के थानागाजी की है। अलवर के थानागाजी में सामूहिक दुष्कर्म का मामला अब सामने आया, लेकिन साथ ही एक विचित्र बात कि पुलिस वालों के संज्ञान में होने के बावजूद चुनाव के चलते इस मामले को दबाया गया। नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद दरिंदे अभी भी फरार चल रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश एक दंपति को रोककर उसके पति के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको साफ नहीं दिखा सकते और इसीलिए इनको ब्लर किया गया है, लेकिन आपको बता दूं कि इस घटना की निंदा हर कोई करता नजर आया। घटना जो हुई निंदनीय घटना है और इसमें प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के और जितनी सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए वो दिलानी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सख्त सजाएं नहीं मिलेंगी, जब तक घटनाएं नहीं होगी। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की अब विधायक मांग करते नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि इस घटना से हर कोई दहशत में है कि आखिर अब विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए, क्योंकि इस घटना के बाद दंपति ने नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की और अभी तक भी सभी के सभी बदमाश फरार चल रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ विस्तार से जानकारी देने के लिए एवं संवाददाता चंद्रशेखर फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रशेखर, ये मामला सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान में आया और उसके बाद हर कोई पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। क्या सवाल है ये कि आखिर राजस्थान की पुलिस इतनी नाकाम साबित हो चुकी है कि जिस मामले को 4 दिन पहले उनके यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल बताना चाहूंगा ज्योति की, बेहद शर्मनाक वारदात हुई है अलवर के थानागाजी क्षेत्र में। पिछले 4 दिनों से पुलिस की संज्ञान में यह मामला था, उसके बावजूद भी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार अलवर पुलिस नहीं कर पाई है। इसको लेकर थानागाजी में ही नहीं बल्कि अलवर जिले में काफी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की ओर से भी काफी आक्रोश जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से विभिन्न स्थानों पर टीमें बनाई गई है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई सफलता पुलिस को नहीं मिली है। ज्योति चंद्रशेखर, जिस तरह से इस खबर के बाद मामला सामने आया कि आरोपियों पर पहले से ही रेप, लूट और भी कई वारदातें उन पर दर्ज थी, तो क्या पुलिस अभी तक भी उन आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई जबकि पहले भी उन पर इतने सारे मामले दर्ज हैं? बिल्कुल, जो आरोपी है छोटे लाल गुर्जर जिसको नामजद किया गया है, उसके खिलाफ बांसुर थाने में हत्या का प्रयास, छेड़छाड़ आदि के कई मामले दर्ज है। पुलिस कई स्थानों पर दबिश दे रही है लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है।
कहीं ना कहीं जो ये 3 दिन का पुलिस की लापरवाही रही है, इसके फायदा आरोपी ने उठाया है और वो फिलहाल जिले में लगता नहीं है कि कहीं आरोपी यहाँ पर रहे होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये मामला वायरल हो गया, उसके बाद से ही आरोपी फरार हो चुके हैं और उनके घरों पर भी ताले लगे हुए हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से ये मामला अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है कि राजस्थान की पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, एक दंपति को रोककर एक पत्नी के साथ सामूहिक रेप को अंजाम दिया गया उसी के पति के सामने, और पुलिस वालों ने चुप्पी साधे रखी, क्या माना जाए? क्या चुनाव के चलते पुलिस वालों ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी नाकामी छुपा ली? बिल्कुल, पहली बार इस तरह का अलवर में मामला सामने आया है और पुलिस की जो इस मामले में कार्यशैली रही है उस पर बिल्कुल साफ तौर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं ज्योति, क्योंकि चुनाव का पीरियड होने के कारण पुलिस ने जिस तरह से मामले को छिपाने का प्रयास किया है, पुलिस ने रिपोर्ट कर दर्ज करने में जो देरी की है, उससे साफ जाहिर है कि इस मामले में पुलिस की स्थिरता सामने आई है और जो ये पीड़ित है, अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई था एसपी के पास ये पेश हुए, उसके बावजूद भी आरोपियों को नहीं पकड़ पाना बहुत बड़ा कारण है, इसकी जांच होनी चाहिए और निश्चित तौर पे आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुलिस से बात कह रही है, लेकिन अभी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। इस पूरे मामले पर जिस तरह से सामने आया कि एसपी चिरंजी लाल मीणा पीड़िता से मुलाकात करके आए हैं, तो इस पूरे मामले पे एसपी का क्या कुछ कहना है? फिलहाल एडिशनल एसपी चिरंजी लाल मीणा मौके पर गए थे, विधायक कांतिलाल मीणा भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस ने टीम लगाई हुई है, उनका कहना है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जो आक्रोश है क्षेत्र के लोगों में, उनमें पुलिस के प्रति काफी आक्रोश है कि 3 दिन हो चुके हैं, रिपोर्ट दर्ज हुए, पुलिस चुनाव में लगी हुई है, इस मामले को बिल्कुल हल्के में लिया और अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर चर्चाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि राजनीतिक प्रभाव में आकर या राजनीतिक लाभ नहीं मिलने को लेकर इस मामले को छुपाने का प्रयास किया गया। जी चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमें अपडेट करते रहें। तो एक बार फिर से बता दें कि राजस्थान के अलवर में एक बहुत ही शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, एक दंपति को रोककर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और उसी के पति के सामने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया, और इस पूरे मामले पर पुलिस वालों ने भी चुप्पी साधे रखी।